नमस्कार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी NCR में 13,802 करोड़ रुपए लागत से बनाई जाने वाली 341 किलोमीटर लंबी तीन परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में ही 88.50 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। प्रतिदिन करीब 52,000 कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में आते हैं, उसमें से करीबन 40-60% दिल्ली को बाईपास करते हैं। इसकी वजह से आजकल दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा मानकों से ऊपर पहुंच गई है। इसको दूर करने की दृष्टि से सरकार तीन परियोजनाओं को आरंभ कर रही है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मुकरबा चौक से पानीपत तक 8 लेन। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया निर्माण योजना को मूल रूप देने वाली ये तीन अहम योजनाएं हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। इसमें प्रवेश और निकास इंटरचेंज विनियमित माध्यम से किया जाएगा। ये भारत का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। दक्षता, सुरक्षा एवं किफायता इस एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषता है। पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा। इसमें कुल 10 लाख टन सीमेंट की खपत होगी। इस पर गति की सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जिससे कि यातायात को सुचारू और सरल बनाया जाएगा एवं सुरक्षा के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसके नीचे स्थानीय यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए आवश्यकता अनुसार अंडरपास बनाने की भी योजना इसमें शामिल है। इसमें 144 पैदल अंडरपास, 54 व्हीकलर अंडरपास, 6 रेल ओवरब्रिज, 5 फ्लाईओवर, 9 इंटरचेंज एवं 48 ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा। यहां पर क्लोज टोलिंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें वाहनों द्वारा तय की जाने वाली दूरी के अनुसार टोल भुगतान लिया जाएगा, न कि कुल 135 किलोमीटर की दूरी। टोल प्लाजा पर सुचारू यातायात प्रदान करने के लिए एक या दो लेन्स को छोड़कर सभी लेन्स पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस मार्ग पर वे साइड एमिनिटी भी बनाई जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, वाहनों की मरम्मत सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आराम गृह आदि सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र का हाफ वे रिंग रोड हरियाणा से होकर गुजरता है। ये हाईवे NH1, NH8, NH10 और NH2 को इंटर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये एक्सप्रेसवे बिटुमिनस एक्सप्रेसवे है। मुकरबा चौक से पानीपत के यातायात को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई 8 लेन की ये परियोजना वाहनों के सुचारू संचालन एवं सुगम यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के तहत हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लेन्स बनाई गई हैं। तेजी से चलने वाले वाहन सिर्फ मुख्य कैरियर्सवे पर चलाए जाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। मुकरबा चौक से पानीपत तक का एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक बिना किसी रुकावट वाली कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। धन्यवाद।